संदीप ने अपनी माँ के कहने पर गांव में शादी कर ली थी। लड़की का नाम था सुनीता। माँ का कहना था एकदम मॉडर्न बहू नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव से आने वाली बहू सुंदर सुशील तो होगी और उसको गांव से बाहर भी निकाल लाएंगे, लेकिन उसके अंदर का गांव कैसे बाहर निकलेगा। शादी के कुछ दिन बाद, माँ टिफिन तो देना जरा। बेटा अब तो स्कूल नहीं ऑफिस जाता है, माँ से नहीं अपनी बीवी से टिफिन मांगा कर। ओके माँ। सुनीता टिफिन ले आओ। एक किलो टिफिन, इसके अंदर पिस्ता डाल दिया है। पिस्ता? पिस्ता क्यों? सास जी ने बोला था ना कि आपको पिस्ता बहुत पसंद है। ओहो, मैंने पिस्ता नहीं पास्ता बोला था। पास्ता? पास्ता कहीं होता है पास्ता? अरे बेटी तू रहने दे, मैं बना दूंगी। अच्छा किया कि पाव भाजी बनाने का नहीं बोला, वरना किसी के पाव बना देती है। सुनीता को बुरा लगता है, लेकिन उसकी नादान हरकतें कम नहीं होती। ऐसे ही एक दिन, अरे तुमने ये क्या लगाया है? अरे आप वो फूस फूस करके लगाते हैं ना, वही दियो। का दियो? किसको दियो? अरे वही ना जिससे खुशबू आती है। हाँ हाँ सही पकड़े हैं। अच्छा लेकर तो आना, कौन सा डियो लगाया तुमने? अभी लेकर आते हैं जी। संदीप की बात मानकर सुनीता अंदर से खुशबू वाला फुसफुस लेकर आती है। ओएमजी। ओएमजी मतलब ओ माय गणेश ना। अरे ओएमजी छोड़ो, ये खुशबू वाला फुसफुस की बात कर रही थी तुम? हाँ इसी की, फिर से सही पकड़े हैं। अरे देवी, लेकिन आप सही नहीं पकड़े हैं, ये डियो नहीं है। डियो नहीं है तो क्या लियो है? अरे ये रूम फ्रेशनर है जिसको कमरे में छिड़कते हैं, खुद पर नहीं। कोई बात नहीं, माँ कहती थी आत्मा किराएदार है, शरीर एक किराए का कर्ब। हम शरीर पे ये डाल लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे बहू, ओ बहू, मेरे लिए फल तो लिया, फिर मैं बाजार जाऊंगी। सुनीता अपनी सास के लिए फल लेकर आती है। अरे बेटा पपीता तरबूज और सेब फल ऐसे कैसे खा लूं, काट कर तो लिया। माँ जी मेरे गांव में तो खेत से उठा के सीधा खा लेते हैं। अरे ये तेरा गांव नहीं है ना। अरे संदीप तू ही कुछ समझा देना इसको बेटा। मैं कैसे समझाऊ माँ, ये तो माइक्रोवेव को भी भट्टी बोलती है। कल मैंने बोला हाय कैसी हो तो बोलती है किसी को हाय नहीं लगानी चाहिए। अरे सुनीता तेरा क्या होगा? अभी तो कैसे बताऊं माँ जी, अभी हम कुछ करेंगे फिर पता चलेगा क्या होगा।